हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एक्शंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इसका करंट प्राइस चल रहा है 963.30। इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 979 है और 52 वीक लो इसका 633.65 है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये जो कंपनी है इंडिया की मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और ये जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई है 1945 में हुई थी मोहम्मद एंड महिंद्रा नाम से। बाद में इसका नाम चेंज कर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया था। ये जो कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। इसके सीईओ की बात करेंगे तो अनीश शाह जी हैं। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि हम स्टॉक के और भी बहुत सारे डिटेल्स चेक करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। ये जो आप टेक्निकल चार्ट देख रहे हो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 950 से लेकर 990 का इसमें एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मैंने एक क्यू मार्क किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो 990 का इसमें मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा 1000 के ऊपर, अगर से वन डे की कैंडल सस्टेन करती है तभी आप इसमें बाइंग का प्लान करिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर चुका था लेकिन 970 का हाई लगाने के बाद में इसमें हमें सेलिंग देखने को मिल चुकी थी। अगेन यहाँ पे 845 पर सपोर्ट लेकर स्टॉक में जो है हमें बाइंग साइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। अगर से यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो आप इसमें बाइंग साइड प्लान कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस जो है आप 983 या 985 का स्टॉप लॉस रखकर इसमें बाइंग साइड प्लान कर सकते हो। अगर आप इस अभी ही मतलब इसी पहले ही बाय कर चुके हो, ब्रेकआउट के पहले ही बाय कर चुके हो, तो आप 945 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें होल्ड कर सकते हो। तो इसके चलते हमें आने वाले कुछ दिनों में इसमें अच्छे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं इसके NSE वेबसाइट पर और वहां से चेक करते हैं इसमें सिक्योरिटी वाइज ग्लोरीफिकेशन क्या ली जा रही है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं NSE वेबसाइट पर। NSE वेबसाइट पर सर्च बॉक्स में कंपनी का नाम सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे के साइड में इस कंपनी का नाम शो करेगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी वाइज ग्लोरीफिकेशन 17 नवंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हो चुकी है वो 18,66,000 इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है। और परसेंट डिलीवरी में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7,72,000 इसमें डिलीवरी ली जा चुकी है और परसेंटेज में 41.40% डिलीवरी ली जा चुकी है, जो कि हम यहाँ से उतनी अच्छी खासी डिलीवरी नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पर और चेक करते हैं वहाँ से ओवरव्यू, फोरकास्ट, फाइनेंशियल ट्रेंड और पी रेशो क्या शो कर रहा है। अब हम आ चुके हैं टिकर टेप वेबसाइट पर। सर्च बॉक्स में कंपनी का नाम सर्च करने के बाद आपको लेफ्ट साइड कंपनी का नाम करेगा और उसके नीचे उसी करंट प्राइस भी शो करेगी। आप यहां पे देख सकते हो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसकी जो करंट प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज्यादा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की बात करेंगे तो बैंक एफडी रेट से भी ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न हमें इसमें जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं। डिविडेंड रिटर्न इसमें कुछ उतना खास नहीं है फ्रेंड्स। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब आप यहां से बाय कर सकते हो। नो रेड फ्लैग शो कर रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट नो रेड फ्लैग होता है। दोस्तों कभी भी आप कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नो रेड फ्लैग देख कर ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसका लास्ट 4 ईयर का फाइनेंशियल ट्रेंड क्या शो कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 2018 से लेकर 2021 तक का लास्ट 4 ईयर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है। कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस 2019 तक बहुत ही अच्छी थी। बाद में 2020 से 2021 में इसमें थोड़ी सी हमें 2020 में हमें इसमें गिरावट देखने को मिल चुकी थी। कोरोना के पीरियड में चलते हुए इसमें सेल्स में बहुत ही ज़्यादा कमी आई थी, लेकिन 2021 में अगेन इसमें प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल चुका है। तो इसके चलते स्टॉक जो है अपसाइड टारगेट्स अचीव कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम चेक करते हैं इसका फोरकास्ट, एनालिस्ट हमें क्या सलाह दे रहे हैं बाइंग की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 41 एनालिस्ट जो है हमें 85% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सलाह हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।